नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेन अहमदाबाद गुजरात से और आप सभी का हमारी चैनल हेल्थ एंड किडनी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब भी किडनी फेल्योर की बात आती है या फिर किडनी के फंक्शन की बात आती है, तब हम जो रिपोर्ट्स करवाते हैं उसमें हमेशा एक चीज देखते हैं, वो है क्रिटिनाइन। हम सबके दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि क्रिटिनाइन अगर ज्यादा है तो किडनियां ठीक से काम नहीं कर रही, और क्रिटिनाइन अगर लेवल में है, कंट्रोल में है, तो हमारी किडनियां ठीक से काम कर रही है। लेकिन दोस्तों, मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है कि किडनियां काम कर रही है या नहीं कर रही, इसके लिए सिर्फ क्रिटिनाइन नहीं देखना चाहिए, हमें हमारे रिपोर्ट्स में यूरिया, यूरिक एसिड, हीमोग्लोबिन, ये सारी चीजें देखनी चाहिए। अगर ये सारी चीजों में गड़बड़ है तो ये माना जा सकता है कि किडनी में कुछ प्रॉब्लम है या फिर किडनी फेल है, सिर्फ क्रिटिनाइन नहीं देखना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो यूरिया है, यूरिक एसिड है, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है, और इस वीडियो में मैं यूरिक एसिड के बारे में बात करना चाहता हूं। क्योंकि दोस्तों, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमारे रिपोर्ट्स दिखाते हैं, तो हमारे जो किडनी के डॉक्टर होते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट, वो सिर्फ क्रिटिनाइन देख के ये डिसाइड नहीं करते कि पेशेंट की किडनी फेल है या ठीक है या रिकवर कर सकती है या नहीं कर सकती। वो सब कुछ देखते हैं, और उसमें खास करके यूरिक एसिड भी देखा जाता है। तो यूरिक एसिड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? यूरिक एसिड अगर अपने लेवल से ज्यादा बढ़ जाए तो बॉडी में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वो क्यों बढ़ता है, और उसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूं। तो सबसे पहले समझते हैं कि यूरिक एसिड क्या है। दोस्तों, जैसे कि क्रिटिनाइन के बारे में मैंने बताया था बहुत बार कि क्रिटिनाइन जो है वो हमारे बॉडी में से एक वेस्ट मटेरियल है, एक कचरा है। हमारे मसल में से बार बार ये कचरा निकलता रहता है जो होता है क्रिटिनाइन, और उसको बॉडी में से निकालने का काम है हमारे किडनी का। ठीक है, हम यूरिन जितनी बार करते हैं उसमें है क्रिटिनाइन निकल जाता है और हमारी बॉडी में से वो कचरा कम हो जाता है, यानी कि क्रिटिनाइन कम हो जाता है। तो दोस्तों, वैसे ही यूरिक एसिड भी एक प्रकार का कचरा ही है, वेस्ट मटेरियल है। जैसे क्रिटिनाइन मसल में से निकलता है, वैसे ही यूरिक एसिड हमारी जो कोशिकाएं होती है, हमारे जो सेल होते हैं, उसमें से लगातार निकलता रहता है। सबसे पहले हमारे जो सेल होते हैं, हमारी कोशिका होती है, उसमें से प्योरीन नाम का एक केमिकल निकलता है और उसमें से बनता है यूरिक एसिड। तो जैसे क्रिटिनाइन कम करने का काम भी किडनी का है, वैसे ही बढ़ा हुआ यूरिक एसिड कम करने का काम भी किडनी का है। हम यूरिन में क्रिटिनाइन के साथ साथ यूरिक एसिड और यूरिया जैसे कचरे भी हम निकालते रहते हैं। इसलिए जब किडनियां ठीक से काम नहीं करती तो क्रिटिनाइन भी बढ़ जाता है, यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है और यूरिया भी बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो किडनी का काम है बढ़ा हुआ कचरा बॉडी में से यूरिन के द्वारा बाहर निकलना, और जब किडनियां ठीक से काम नहीं करती तो क्रिटिनाइन के साथ साथ यूरिया, यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो बॉडी में क्या दिक्कत आती है, क्या प्रॉब्लम आते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जब भी यूरिक एसिड बढ़ता है तो वो बढ़ा हुआ यूरिक एसिड हमारे बॉडी में जहां जहां ज्वाइंट्स होते हैं वहां पर बस जाता है, वहां पर वो फिक्स हो जाता है, और हमें ज्वाइंट्स की पेन, ज्वाइंट्स में दर्द होने लग जाता है। आपने देखा होगा बहुत बार कि जिसकी किडनी फेल हो जाती है उसको बॉडी में हर जगह दर्द बहुत ज्यादा रहता है। उसको कमर में दर्द रहता है, उसको घुटनों का दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है। तो इसकी वजह है यूरिक एसिड, क्योंकि किडनियां काम नहीं कर रही तो वो बढ़ा हुआ यूरिक एसिड है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलना बंद हो चुका है। इसलिए वो बढ़ के कहां जाएगा, हमारे ज्वाइंट्स में, वहां पर जाके वो फिट हो जाएगा और वहां पे हमें पेन होना शुरू हो जाएगा। तो यूरिक एसिड बढ़ना नहीं चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा होता क्यों है, यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है? सबसे पहली चीज तो ये कि किडनियां फेल हो जाती है तो यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ने लग जाता है, क्योंकि यूरिन के द्वारा अब यूरिक एसिड बाहर नहीं निकलता। लेकिन किडनी फेल होने के अलावा भी बहुत सारे किस्सों में यूरिक एसिड बढ़ने लग जाता है। तो उसको कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली चीज तो आपको करना है डाइटिंग में परहेज। डाइटिंग में बहुत ही स्ट्रिक्ट परहेज फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत सारी चीजें खाना बंद कर देना पड़ेगा। परहेज फॉलो करने का मतलब यह है कि मैं कुछ चीजें यहां से आपको बताऊंगा अभी, वो सारी चीजें आपको स्ट्रिक्टली बंद कर देनी है, कंप्लीट 100% वो खाना बंद कर देना है। सबसे पहली चीज, जो रेडीमेड पैकेज फूड होता है, पैकिंग पैकिंग मटेरियल जो होता है, जैसे कि चिप्स पैकिंग में मिलती है, वो अचार, केचप है ना, फिर बहुत सारी चीजें पैकिंग में मिलती है, आइसक्रीम मिलता है, बहुत सारे जूस भी आजकल पैकिंग में मिलने लग जाता है। तो ये सारी चीजें जो पैकिंग में मिलती है, वो सारी चीजें आप देखोगे तो उसकी एक्सपायरी डेट होगी 6 महीने के बाद की, 1 साल, 2 साल के बाद की। अब नॉर्मल सी बात है, घर में हम कोई चीज बनाते हैं खाने की
तो वो 2 दिन 3 दिन या मैक्सिमम 1 हफ्ते तक अच्छा रहता है। ये बाजार की जो चीजें हैं वो 6 महीने 1 साल 2 साल तक अच्छी क्यों रहती है? क्योंकि ये जो पैकिंग में जो चीजें मिलती है खाने की बाजार में, उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है। प्रिजर्वेटिव के कारण क्या होता है कि वो फूड जो है वो जल्दी से खराब नहीं होता, वो खाना जल्दी से खराब नहीं होता, बहुत लंबे समय तक वो अच्छा रहता है। इसलिए वो पैकिंग मटेरियल में, पैकिंग वाले फूड में प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं। लेकिन ये प्रिजर्वेटिव जो होता है वो हमारी बॉडी में प्योरिन नाम का जो केमिकल है वो बढ़ाने का काम करता है, इसलिए यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो अगर आपके रिपोर्ट्स में, आपकी किडनियां ठीक है लेकिन आपके रिपोर्ट्स में यूरिक एसिड थोड़ा सा भी बढ़ा हुआ आया, तो ये पैकिंग वाली चीजें जो बाजार में मिलती है वो सारी चीजें आपको 100% बंद कर देनी है। एक भी चीज पैकिंग वाली नहीं खानी है आपको। दूसरी बात, अगर आप वेजिटेरियन हो तो घर में बनाया हुआ सब कुछ आप खा सकते हो, उसमें कोई भी परहेज फॉलो करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको नॉनवेज बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि नॉनवेज में कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके कारण बॉडी में प्योरिन केमिकल बढ़ जाता है और यूरिक एसिड बढ़ जाता है। खास करके रेड मीट और मछलियां खाना बिल्कुल बंद कर देना है, 100% स्टॉप कर देना है। तीसरी बात, अल्कोहल, अगर आप दारू का सेवन करते हो, वाइन, शराब, बियर कुछ भी आप लेते हो, तो आपको बंद कर देना है, क्योंकि अल्कोहल भी ऐसी चीज है जो बॉडी में प्योरिन केमिकल बनाती है। प्योरिन केमिकल बनेगा तो यूरिक एसिड भी बढ़ेगा, इसलिए अल्कोहल टोटली आपको बंद कर देना है। बस इतनी सी चीज खाने में आपको फॉलो करनी है। खाने के अलावा आपको क्या ध्यान रखना है? खाने में अलावा आपको ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज, बॉडी को संपूर्ण आराम नहीं मिलना चाहिए। इन द सेंस, जिसका ऐसा काम है कि पूरे दिन बैठे ही रहना है, कोई एक्सरसाइज का काम नहीं होता, ऑफिस में बैठे रहने का काम है या फिर घर में भी एकदम आराम वाली जिंदगी है, तो उनकी बॉडी में प्योरिन केमिकल बढ़ जाता है और यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो थोड़ी कुछ एक्सरसाइज बॉडी की होनी ही चाहिए, सुबह में आधा घंटा, शाम को आधा घंटा वॉक, इतना तो होना ही चाहिए। इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जिसकी किडनी एकदम स्वस्थ है, पानी पीने में डॉक्टर ने कोई पाबंदी नहीं की हुई है, तो उनको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, ताकि बहुत बार यूरिन पास करने के लिए बाथरूम जाना पड़े और यूरिन में धीरे धीरे करके यूरिक एसिड हमारी बॉडी में से कम हो जाए। जिसकी किडनी एकदम हेल्दी है, ठीक है, पानी में कोई भी पाबंदी नहीं लगाई हुई, इसके लिए ही ये बात थी। बाकी जो डाइट में फॉलो करना है, शराब नहीं पीना, एक्सरसाइज करना, वो सारी चीजें हर किसी को लागू होती है। तो बस यूरिक एसिड को कम करने के लिए इतनी सी चीज ध्यान में रखनी होती है। और थोड़ा कुछ मैं बताऊं तो आपका शुगर और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहना चाहिए। जब ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल में नहीं रहता तब भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। दोस्तों एक बात खास मैं यहां पे कहना चाहता हूं कि किडनियां फेल होती है तो यूरिक एसिड बढ़ता ही है, ये बात नॉर्मल है। जिसकी किडनी फेल हो चुकी है वो लोग यूरिक एसिड को कम करने के लिए ज्यादा कुछ चीजें नहीं कर सकते। वो लोग सिर्फ इतना कर सकते हैं कि डायलिसिस टाइम टू टाइम करना चाहिए, क्योंकि आपका जो यूरिक एसिड है, जो डायलिसिस पेशेंट का यूरिक एसिड है, वो सिर्फ और सिर्फ डायलिसिस के दौरान ही बाहर निकलेगा। जैसे बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन भी डायलिसिस में बाहर निकल जाता है, वैसे ही यूरिक एसिड भी डायलिसिस में बाहर निकल जाएगा। तो अगर डॉक्टर ने आपको बोला है कि 2 बार हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करवाना पड़ेगा तो करवाना ही चाहिए, या फिर डॉक्टर ने ऐसा बोला है कि 3 बार डायलिसिस करवाना पड़ेगा हफ्ते में तो 3 बार डायलिसिस करवाना ही चाहिए। ठीक है, डॉक्टर जो है वो आपके रिपोर्ट्स के मुताबिक ही आपको कितनी बार डायलिसिस की जरूरत है वो बताएंगे। तो आपको डायलिसिस कभी भी मिस नहीं करना, उसमें कोई आलस नहीं करनी। पैसे का अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम है डायलिसिस में तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके डायलिसिस करवाओ, लेकिन डायलिसिस करवाना बहुत ही जरूरी है। अगर किडनी नहीं चल रही तो किडनी का सारा काम डायलिसिस मशीन करने वाली है, इसलिए ये काम करना बहुत जरूरी है। डायलिसिस कभी भी बीच में मिस नहीं करना है, बीच में स्कीप नहीं करना। 2 बार बोला है तो 2 बार, 3 बार बोला है तो 3 बार करना ही चाहिए। दोस्तों ये मैंने बता दिया कि यूरिक एसिड को किस तरह से हम कम कर सकते हैं। नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें यूरिक एसिड की तो वो होता है 3.5 to 7.2 mg/dL, डीएल मतलब डेसीलीटर। ठीक है, आप रिपोर्ट्स करवाओगे तो डीएल लिखा होगा, तो वो 3.5 से लेकर 7.2 तक होना चाहिए। उससे थोड़ा कुछ ऊपर नीचे होता है तो वो नॉर्मल सी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर है तो आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। अगर किडनियां फेल है तो यूरिक एसिड थोड़ा सा तो बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन किडनियां फेल नहीं है फिर भी अगर आपका यूरिक एसिड ज्यादा रहता है तो बहुत ही आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा केयर करने की जरूरत है। क्योंकि बढ़ा हुआ जो यूरिक एसिड होता है वो सबसे पहले पथरी बनाता है, स्टोन बनाता है किडनी में, और धीरे धीरे करके किडनी को खराब कर देता है, किडनी को फेल कर देता है। तो यूरिक एसिड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आज तक बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट्स करवाए होंगे लेकिन यूरिक एसिड को इतना इंपॉर्टेंस हम लोग नहीं देते हैं। तो
तो आज का ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज यही था कि यूरिक एसिड के बारे में भी लोग जाने और इसको भी थोड़ा सीरियसली ले। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर बढ़ा हुआ है तो उसके ऊपर स्टेप आज ही लेना चाहिए, जल्दी से जल्दी स्टेप लेना चाहिए। बस यही मेरा पर्पज था इस वीडियो का। आपको इसके बारे में कुछ जानना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों, इसी तरह हम किडनी के बारे में जानकारी इस चैनल में देते रहते हैं, डायलिसिस के बारे में, आयुर्वेदिक के बारे में, किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में। तो उसके बारे में भी आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे सारे वीडियोस देखिए, आपको काफी यूजफुल रहेंगे। और आपके ध्यान में कोई और किडनी पेशेंट्स हो जिसको ये सब समस्याएं हो, प्रॉब्लम्स हो, तो उनको भी हमारी चैनल्स शेयर कीजिए जिससे उनका भी कुछ लाभ हो। थैंक यू सो मच।